नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे बहुत इस देश की बढ़ती हुई समस्या की। आप देखिए किस रूप में सुसाइड बढ़ रहे हैं, किस रूप में लोग आत्महत्या का प्रयास कर रहे हैं। आदमी बोझिल है, आदमी को कोई उम्मीद सामने नहीं दिख रही और वो सबसे अच्छा प्रयास समझता है कि अपनी जान दे दे। और मैं आपको बता दूं कि यह सबसे गलत है। पहली बार डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक और हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया ऐसा काम ना करें। आपके माँ बाप ने आपको, माता पिता ने आपको बहुत उम्मीद से इस धरती पर लाए होंगे। आप सोचिए कि जिस समय आप इस धरती पर आए होंगे कितना खुशी परिवार में हुई होगी। आपके वालिद वालदा, आपके माता पिता, दादा दादी, यह सब लोग कितने खुश हुए होंगे। और आज जिस अवस्था में आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि हम अपनी जान दे दें, उस वक्त को याद करिए। जो वो वक्त है वो आपका कर्जदार है, आप उसके कर्जदार हैं और आपको उस कर्ज को चुका के ही ऊपर जाना पड़ेगा। और वो कर्ज यही है कि आप ऐसा काम ना करें कि दूसरों के सबके अरमान तोड़ दें अपनी ज़हनियत अपने दिमाग के कारण। क्योंकि सुसाइड क्या है, आत्महत्या? जब आप अपनी बात को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप सोचते हैं साहब हम कूद के मर जाएं, हम तेजाब खा के मर जाएं, हम गोलियां खा के मर जाएं, हम नींद की गोलियां खा लें, तमाम तरह की एक मैं कहूंगा कि इलिटरेट अनपढ़ों वाली बात करते हैं। अनपढ़ों वाली इसलिए कहूंगा कि तालीम कभी नहीं कहती कि आप आत्महत्या करें, तालीम आपको समर्थ होना सिखाती है। रही बात जीत हार की साथियों, तो जीत हार का क्या है? जीत हार तो होती रहती है, आपके जीवन के हर विषय पे जीत हार होती रहती है, हमारी भी जीत हार होती रहती है। आज अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं, दो मिनट में लाइट्स चली जाए, सारी लाइट आप बंद हो जाए, बिल्कुल अंधेरा हो जाए, लीजिए साहब हमारी हार हो गई। आज हमको सड़क पे चलते किसी से कोई कुछ कह दे, हमारी हार हो गई। आज हम किसी एग्जाम दें और फेल हो जाए, हमारी हार हो गई। लेकिन रास्ते और भी हैं, मंजिलें और भी हैं, हमको उन मंजिलों पर चढ़ना। वो मंजिल धरती पर, धरती पर जाके तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आप एक बार सुसाइड करें, आत्महत्या करें, ऊपर चले गए, चलिए बड़ी अच्छी बात, आपको जन्नत नसीब हो गई, आपको स्वर्ग नसीब हो गया। लेकिन फिर आप इस धरती पर कर क्या पाएंगे जब आप ऊपर चले जाएंगे? तो ना तो काम करने की चाहत अपने में ख़त्म होने देनी है, ना लड़ाई लड़ने की चाहत अपने में ख़त्म देनी है, और ना ही कोई ऐसा काम करना है कि आपके वालिद वालदा, माता पिता, माँ बाप का आप पर से अरमान टूटे। क्योंकि आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। आप माँ बाप की उम्मीद हों, हो सकता है आप बीवी की उम्मीद हों, अपनी पत्नी की उम्मीद हों, हो सकता है आप अपने बच्चों की उम्मीद हों। उन उम्मीदों को ख़त्म ना करिए। मुश्किलें आएंगी, मुश्किलें जाएंगी, वक्त एक जैसा नहीं रहता। ना पहले आपका वक्त एक जैसा रहा होगा, ना आज एक जैसा होगा, ना आगे एक जैसा होगा। जो बुरा है तो अच्छा होगा, रात के बाद सवेरा हमेशा होता है, कुदरत का नियम है। जब कुदरत का ये नियम, जब से धरती बनी है, जब से ये नियम चल रहा है, तो आप इसके नियम के विरुद्ध जाके आत्महत्या कैसे कर सकते हैं? तो मैं इतना ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपके दुख का भागीदार बनना चाहता हूँ और दुख से आपको खुशी में ले जाना चाहता हूँ। और आपसे निवेदन करता हूँ कि गलत बातों की तरफ ध्यान न दीजिए। लड़ाई है, लड़ते रहना है, जीत हार तो जीवन का हिस्सा है। सिकंदर भी हारा था, शिवाजी भी लड़ाइयों में हारे हैं, महाप्रताप भी लड़ाइयों में हारे हैं, मुगल भी लड़ाइयों में हारे हैं, अंग्रेज भी लड़ाइयों में हारे हैं। कौन है जो केवल जीता रहा है? एक सिकंदर की उपमा दी जाती तो सिकंदर भी यहाँ से बिना हमला करे गया था, उसकी भी हार हुई थी। तो जब हर कोई हारा है तो फिर जो है जीता कौन है आज तक? तो आपको कौन सा दुख, जब सब हारे तो आप हारे तो क्या हो गया, अब आगे जीत लेंगे? बहरहाल साथियों, इसके बारे में मुझे लगता है और ज़्यादा अब ये क्यों होता है, क्या होता है, बताने की ज़रूरत नहीं। हम आपको इस दिक्कत से निकालने की दवा बस बताना चाहेंगे, बताते हैं आपको सुसाइडल टेंडेंसी अपने में ख़त्म करने की, आत्महत्या के भाव को अपने अंदर से निकालने की, ख़त्म करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, नंबर एक दवा होम्योपैथी में जो आपके इस आत्महत्या के प्रयास को, विचार को ख़त्म करने की आपसे दिमाग से है, वह है ऑरम मेटालिकम।
अगर आपके मन में आत्महत्या का प्रयास आता है तो ऑरम मेट 30 आप ले सकते हैं। इसकी दो दो बूंद दिन में 3 बार लें। यह विचार आपके मन से ख़त्म हो जाएगा और आप वापस अपने संघर्ष में लग जाएंगे। तो याद रखें, नंबर एक दवा आपके सुसाइडल टेंडेंसी ख़त्म करने की, आपके डिप्रेशन को ख़त्म करने की, वह है ऑरम मेट। एक साथियों स्थिति आती है कि जब आपका आत्महत्या का प्रयास करने का मन करे और फिर आप मेडिटेशन में बैठ जाएं कि कौन सा अच्छा तरीका है जिससे आत्महत्या बहुत अच्छी होगी, मतलब कम तकलीफ से होगी, आपका जो है लॉस ऑफ मेमोरी हो जाए, कुछ आपको याद ना रहता हो, आपका दिमाग खोया खोया रहता हो और आप आत्महत्या करने के तरीकों को मेडिटेशन के माध्यम से ढूंढने लगे। अगर इस तरह का विचार आपके दिमाग में है साथियों आत्महत्या के लिए, तो इसको ठीक करने की, विचार खत्म करने की बहुत अच्छी दवा है लैक वैक डेफोरेटम। आप लैक वैक डेफोरेटम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें। आपका यह जो आत्महत्या करने का प्रयास का विचार है यह खत्म हो जाएगा और आपका जीवन सरल और सहज हो जाएगा। एक स्थिति आती है साथियों, आप में आत्महत्या करने की प्रबल इच्छा, इतनी प्रबल इच्छा कि लोगों को आपको आत्महत्या करने से रोकना पड़ता है। तो अगर यह स्थिति आप में है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है नैट्रम सल्फ्यूरिकम। आप नैट्रम सल्फ 202 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपकी इस समस्या को ख़त्म करके आपको सामान्य बनाएगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपको बिना किसी कारण के आत्महत्या करनी है, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप में विचार आता है कि अब हम इस दुनिया से चलें। तो अगर बगैर कारण, बिना किसी कारण के भी आपको आत्महत्या करने का मन करे और आपको बहुत वीकनेस हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है आयोडम। आप आयोडम 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले लें। आपका ये जो आत्महत्या का बगैर कारण करने का प्रयास है या ख़त्म होगा और आप बेहतर होंगे। एक साथियों आत्महत्या के विचार में स्थिति आती है कि आप अपने को गोली मारना चाहें, लेकिन आप बहुत डरपोक हों, अपने को गोली ना मार पाएं। साथियों वैसे तो ऐसा काम करना ही नहीं है, लेकिन अगर आपके मन में विचार आता है कि गोली मार के अपने को आत्महत्या कर लें, तो उसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एनाकार्डियम। आप एनाकार्डियम 202 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा जो आपकी यह गोली मार के अपने को ख़त्म करने की इच्छा है, इसको ख़त्म कर देगी और आपको सामान्य रूप से ठीक करके आपको जीवन की मुख्य धारा में लाएगी। एक स्थिति आती है साथियों कि जब आप पे कोई चोरी का इल्ज़ाम लगाते जो चोरी आपने नहीं करी और आपको लगता है कि अब हमको जान देनी चाहिए, वो शर्मिंदगी आप महसूस नहीं कर पाते। तो साथियों अगर यह स्थिति हो कि आप पे चोरी का इल्ज़ाम लगे और आपको उससे जान देने का मन करे, आत्महत्या करने का मन करे, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है हेलीबोरस नाइगर। आप हेलीबोरस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। यह दवा आपके आत्महत्या करने के प्रयास को ख़त्म करेगी और आपको ठीक करेगी। एक साथियों आपके मन में विचार आता है आत्महत्या के लिए कि हम किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग की खिड़की से कूद जाएं। तो अगर यह विचार आपके मन में आता हो कि आप बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग की खिड़की से कूद जाएं, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है रस्टॉक्स। आप रस्टॉक्स 1 mg पावर की 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यदि आपके मन में विचार आता है कि आप अपने को स्टोव से जला लें, बिल्डिंग की ऊंची खिड़की से कूद के अपनी जान दे दें, यह दवा आपको इस बीमार दिमाग को ठीक करके, आपकी यह जो बेमतलब का आपका विचार है इसको ख़त्म करके आपको जीवन की मुख्य धारा में वापस लाएगी। एक साथियों स्थिति आती कि आप जहाँ से गुजरे लगता है, जहाँ भी आप ऊंचाई से गुजर रहे हैं, आपको लगता है यहाँ से कूद के आत्महत्या कर लें। किसी बिल्डिंग पे गए तो बिल्डिंग की छत से कूद जाएं, किसी पुल से निकले तो पुल से कूद जाएं, ट्रेन में चल रहे हैं तो ट्रेन से कूद जाएं। इस तरह का विचार अगर आपके मन में आत्महत्या का बना रहता है, तो इसको ठीक करने की बहुत कारगर दवा है होम्योपैथी में आर्जेंटम नाइट्रिकम। आप आर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। यह दवा आपके इस विचार को ख़त्म करके आपको ठीक करेगी। एक स्थिति आती है साथियों जब आपको लगता है कि अपने को चाकू मार के अपनी जान दे दें। तो अगर यह स्थिति आ रही कि आप नाइफ मार के स्टैबिंग करके नाइफ से अपनी जान दे दें, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कैल्केरिया कार्बोनिकम। कैल्केरिया कार्ब 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर वो मरीज ले सकता है, विशेष तौर से महिलाएं जो फेयर फैट एंड फ्लैबी हों, जिनके सर से बहुत पसीना आता हो, जिनको सर्दी ज़्यादा लगती हो और जिनको चाकू मार के अपने को आत्महत्या करने का मन करता हो।
एक स्थिति आती है साथियों, आप बहुत डिप्रेशन से गुजर रहे हो और जान देने की मन करते हो, तो अगर आप बहुत डिप्रेशन में और जान देने का मन करता है तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है जिनकम मिटालिकम। आप जिनकम मेट 1 mg पावर की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ऐसे पेशेंट को दे सकते हैं जो कि बहुत डिप्रेशन में चल रहा हो और जान देने का प्रयास करता हो। यह दवा जिनकम मेट उसको डिप्रेशन से भी निकालेगी और उसको आत्महत्या के प्रयास को भी, दिमाग में उस प्रयास को बल देने के खत्म करेगी। एक साथियों अंतर्द्वंद की स्थिति आती है, आपके मन में विचार आता है सुसाइड का, लेकिन आप सुसाइड करना नहीं चाहते हैं, आप सुसाइड करने का प्रयास भी नहीं करते हैं, लेकिन आपके मन में विचार आता रहता है कि हम सुसाइड कर लें तो बेहतर है। आप करेंगे नहीं सुसाइड, अगर सुसाइड करने की इच्छा हो तो यह दवा आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर विचार आता हो सुसाइड करने का और सुसाइड न करना चाहते हो तो उस स्थिति की होम्योपैथी में ठीक करने की दवा है, मानसिक स्थिति को ठीक करने की दवा है कैप्सिकम एनम। आप कैप्सिकम 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले लें तो जो आपके मन में यह विचार आता रहता आत्महत्या का, यह भी खत्म हो जाएगा और आप उस उत्ते वक्त को किसी बेहतर कंस्ट्रक्टिव काम में लगाएंगे। एक साथियों विचार आता है आत्महत्या के कि डूब के मर जाएं, कहीं किसी नदी में छलांग लगा दें और चलते बने, तो अगर यह विचार आपके मन में आ रहा है आत्महत्या का, या मैं कहूँ एक बेकार की बात आपके मन में आ रही है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है अस्टिलागो मेडिस। आप अस्टिलागो 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, यह दवा आपके जो नदी में कूद के मरने का विचार है इसको ख़त्म करेगी और आपको समाज में कुछ बेहतर करने के लिए तैयार करेगी। एक साथियों आत्महत्या करने में स्थिति आ सकती है, एक तरीका आपके मन में आत्महत्या करने का आ सकता है कि वह अपना गला काटना। आप एक इमेजिन करते हैं आप गला काटेंगे नाइफ से और फिर बहुत खून बहेगा, पूरा लाल हो जाएगा, तो अगर इस तरह का विचार हो कि गला काट के रेत के आपको आत्महत्या करनी हो, जो जगलर वेन होता है इसको काट के आत्महत्या करनी हो, तो इस आत्महत्या के विचार को रोकने की उस स्थिति में बहुत अच्छी दवा है एल्यूमिना। आप एल्यूमिना 200 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, यह दवा आपके इस विचार को जो गला रेतने काटने से आत्महत्या करने का विचार है इसको ख़त्म करके आपको कंस्ट्रक्टिव रास्ते की तरफ ले जाएगी। एक स्थिति साथियों कुछ लोगों में आती है जो कहते हैं ऊपर से आदेश आया अब हमको आत्महत्या करनी है, भगवान ने हमको यह संदेश भेजा है कि अब हमको आत्महत्या करनी है, अब हमको इस धरती से जाना पड़ेगा, भगवान हमको बुला रहे हैं, तो अगर इस तरह का वेग आइडिया आपके दिमाग में आता है तो उस वेग आइडिया को ख़त्म करने और आत्महत्या के प्रयास को ख़त्म करने की बहुत अच्छी दवा है कैनबिस इंडिका। आप कैनबिस 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, यह दवा आपके यह जो ऊपरी संदेश आया है कि अब हमको जाना है इसको ख़त्म करेंगे और आपको ठीक करेंगे। कुछ लोग साथियों आत्महत्या का करने का एक तरीका करते हैं कि वो माचिस की तीलियां लेते हैं, उसकी जो फास्फोरस आगे माचिस की तीली में आगे जो जलाने के लिए तीली का मैचस्टिक को जलाने के लिए फास्फोरस लगी होती है आगे, उसको इकट्ठा करते हैं और उसको इकट्ठा करके खा लेते हैं, तो अगर इस तरह का कोई तरीका अपना रहा है तो पहले तो ये बात ही बहुत गलत है, कृपया ऐसा ना करें, और अगर यह तरीका अपनाने का आपका इच्छा होता है तो इसको ख़त्म करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है इग्निशिया। आप इग्निशिया 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, यह दवा जो आप माचिस की फास्फोरस इकट्ठा करके उसको खाने का दिल करता है इस समस्या को ख़त्म करेगी, और मैं आपसे विनती करता हूँ इस तरह के विचार अपने दिमाग में ना लाएं, यह समाज के लिए हानिकारक है, आपके परिवार के लिए हानिकारक, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो आप पे आश्रित होगा, तो उसको दुख और उसको तन्हाई ना दे। साथियों ये कुछ दवाएं थी आपके मन में सुसाइडल थॉट्स को ख़त्म करने की। मैं फिर कहूँगा जैसा वीडियो के शुरू में कहा था, आपको इस धरती पे आपके मदर फादर माता पिता वालिद वालदा बहुत अरमानों से लाए हैं, आपको कुछ लक्ष्य पूरे करने हैं दुनिया में और वो आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, आप उस हर व्यक्ति से प्यार करते हैं जो आप पे आश्रित है, कोई ना कोई हम सब पे आश्रित होता है, तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। दवाएं साथियों आपकी जानकारी के लिए कुछ दवाओं का प्रयास था, अगर आपके मेंटल कंडीशन इस तरह की है तो आप साइकियाट्रिस्ट या किसी से एक बार ज़रूर मिलके अपनी काउंसलिंग कराएं, बड़े बुजुर्गों से मिलें वो आपको सही करेंगे, और मैं आपको बताऊं नेगेटिविटी से दूर होने का बहुत अच्छा उपाय है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इबादत करते हैं, तो आप इस तरह के विचार आएंगे ही नहीं, क्योंकि ऊपर वाले
के विचार याद आपको जो है सही रास्ते पर डालती है। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो साथियों, तो हमारे नोटिफिकेशन पैनल में व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, हम आपको कोशिश करेंगे संतोषजनक जवाब देने का। अगर साथियों आपको लगता हो यह वीडियो किसी का जीवन बचा सकता है, किसी की जान बचा सकता है, किसी परिवार को बिखरने से बचा सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन का आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। आपको साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए, बात सुनने समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।